रिकॉलिंग दोस्तों, डिप्रेशन आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। भारत में कहते हैं 6% लोग डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, यूएस में 40% लोग डिप्रेशन से लड़ रहे हैं और चाइना में 90% लोग। ऐसे कहते पूरे विश्व में 10 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन से लड़ रहा है। और अगर मैं बात करूं यंगस्टर्स की, तो 10 से 19 साल के बीच के जो यंगस्टर्स हैं, उसमें डेथ का थर्ड मोस्ट दिया हुआ रीजन है सुसाइड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। सो हमें इस डिप्रेशन को रोकना है, भारत में नहीं आने देना। आपके यंगस्टर्स चाहे छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं, जैसा अभी केस चल रहा है सुशांत राजपूत का। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपके बच्चे के साथ ना हो, तो इस फ्रेंडशिप डे एक गिफ्ट आपको अपने बच्चे को देना होगा। क्या आप देने के लिए तैयार हैं? अभी तक तो आपने मोबाइल फोन, गाड़ी, अच्छी ट्यूशन, ऐसे गिफ्ट दिए हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट जो इस बार आपको देना है वो है फ्रेंडशिप का गिफ्ट। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर जब आपको अच्छा लाइफ पार्टनर देता है तो वो ईश्वर की तरफ से गिफ्ट होता है। जब ईश्वर आपको माँ बाप देता है तो ईश्वर माँ बाप के रूप में आपके साथ आ जाता है। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसके लिए ईश्वर खुद जन्म लेकर नीचे आते हैं, और वही फ्रेंडशिप आपको देनी है अपने बच्चों को। जब बच्चा 10 के ऊपर साल का होने लगता है, टीनेज में आने लगता है, उसे दोस्त की जरूरत पड़ती है और माँ बाप कंटिन्यूसली उसे जज करने लगते हैं। तो उठता कैसे है, बैठता कैसे है, ऐसे बार क्यों बनाता है, और उसके चलते वो बच्चा जो बचपन में आपकी उंगली के सिवा कहीं चलता तक नहीं था, आपकी उंगली उसे हमेशा चाहिए रहती थी, दिन भर क्या करता था वो आकर आपको बताते रहता था, आज आपसे सीक्रेट रखने लगा है बिकॉज आपने उससे आज तक दोस्ती नहीं की। तो इस फ्रेंडशिप डे एक काम करिए, एक फ्रेंडशिप बेल्ट लाइए, फिर आप बच्चा बन जाइए और अपने दोस्त को एक फ्रेंडशिप बेल्ट बांधिए जो कि आपका खुद का बेटा या बेटी हो सकती है, और उसे फ्रेंडशिप करिए दोस्तों, लेकिन वो हो बिना जजमेंट की। अनकंडीशनल लव तो आपके पास है ही, तो देखिएगा कि उसे बाहर के दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके माँ बाप से बेहतरीन दोस्त आपको मिल ही नहीं सकता। ये वो माँ बाप है जिसने अगर आप बीमार भी पड़ जाते हैं तो अपनी सारी दौलत बेचकर भी वो आपको बचाना चाहेंगे, हरदम आपका साथ दिया है। बस एक प्रॉब्लम है, कई बार जज करने लगते हैं, जो कि आज से शायद इस वीडियो को देखने के बाद शायद बंद कर दे। तो जितने यंगस्टर्स है वो भी फ्रेंडशिप बेल्ट लाए, अपने पेरेंट्स के हाथ में बांधे और एक नए रिश्ते की शुरुआत करे इस फ्रेंडशिप डे। और बाकी के जो भी लोग जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और काउंसलर हूँ। डिप्रेशन से निकालने के लिए हमारी जो मोडालिटीज हैं वो आपको जरूर हेल्प करेंगे डिप्रेशन से निकलने के लिए। और तब तक के लिए दोस्ती करते रहेंगे।